तो हेलो दोस्तों, स्वागत है दोबारा से एक और मस्त वाली वीडियो के अंदर। लेकिन आज ना गाइस हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट के अंदर अपना वन ब्लॉक। तो गाइस जिसको नहीं पता, मेरे पास एक टोमी, लेकिन गाइस अभी मैंने इसका सही तरह से नाम नहीं रखा है। तो मैं गाइस इसका नाम क्या रखूँ, तुम लोग कमेंट में जल्दी से बता दो। बाकी मैं अभी फिलहाल के लिए इसका नाम रखता हूँ टॉमी। बाकी गाइस बताना ये नाम तुम लोगों को कैसा लगा। अभी फटाक से गाइस इसके लिए मैं कुछ खाना देखता हूँ यार, उसको बहुत दिनों से मैंने खाना तक नहीं है। बताओ यार कैसा है यार, इसके लिए खाना ही नहीं है। बताओ यहाँ पे कुछ गाइस यार, अरे यार ये तो मेरा खाना है। चलो गाइस इसको दूसरे चेस्ट में, दो चेस्ट हैं और हैं उसमें तो होगा पक्का। आ जाओ टॉमी, खाना नहीं खाना है क्या? अरे भूख लगी होगी, जल्दी आ जाओ। चलो गाइस अभी मैं इसको फटाक से दे देता हूँ। मेरे ख्याल से चेस्ट में एक आध हड्डी तो पड़ी होगी, इसको हड्डी पसंद है। भाई इसमें तो नहीं है भाई, इसमें देखते हैं। ओ यार एक है, लेकिन यार ये हली मैं दे नहीं रहा, क्योंकि अगर कोई और डॉग स्पॉन हो जाएगा तो उसको देनी पड़ेगी ना। सॉरी टॉमी, अभी मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, ठीक है गाइस। चलो फटाक से यहाँ पे सारी की सारी वुड कलेक्ट कर लेते हैं। और गाइस तुम लोग को पता है यहाँ पे एक चीज़ मैंने ट्रैप करके रखी है, मतलब बंद करके रखी है, क्योंकि जिससे कि टॉमी उसको मार ना दे यार, इसके पीछे ही पड़ा रहता है। यहाँ पे गाइस मैंने एक फॉक्स कैच करके रखी है, जिसके लिए हम लोग बाद में एक मस्त सा घर बनाएंगे। तो गाइस अभी मैंने फिलहाल इसको यहाँ पे रख दिया, जैसे कि गिरे विरे ना। अरे यार फिर से मारने जाएगा भाई, यहाँ से जल्दी हटा देता हूँ सारे के सारे डर्ट ब्लॉक, नहीं तो भाई इसको मार देगा जाके, पीछे ही पड़ा रहता भाई। दो तीन फॉक्स मार चुका है ये, तुम लोग को पता है ना, पिछले एपिसोड में जिसने देखा होगा उसको तो पता होगा, बाकी नहीं देखा तो देख लेना जाके इस वीडियो के बाद। चलो इसको भी हटा देता हूँ फटाक से, और फटाक से हम लोग वुड कलेक्ट करते हैं और बनाते हैं एक टॉमी के लिए घर और एक फॉक्स के लिए घर। बाकी देखते हैं गाइस अगर और कुछ भी बनाना चाहे तो बनाएंगे। फटाक फटाक से सारी की सारी वुड कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद गाइस तुम लोग को पता है कि यहाँ पे लोग अपनी लीव भी कलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को तो पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता मैं बता दूँ गाइस, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। बाकी वो तुम लोग को दिखेगा आगे, हम लोग को लकी लकी ब्लॉक भी मिलेंगे, क्योंकि ये वन ब्लॉक है। इसमें मतलब एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक को हम लोग कलेक्ट करते जाएंगे, मतलब लेवल आती जाती हैं, और बाकी काफ़ी सारा सामान हम लोग को ओपी मिलता है। तो गाइस वो भी तुम लोग दिखाऊंगा। चलो फटाक से पहले हम लोग अपनी वुड कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ भी लगाने हैं, तो उसके लिए भी हम लोग को काम करना पड़ेगा। चलो बाकी यहाँ मैंने यहाँ पे सारे के सारे पेड़ तो कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी गाइस काफ़ी पेड़ तो उगे ही नहीं है। चलो गाइस अब मैं शेयर से सारी सारी लीव कलेक्ट कर लेता हूँ। देखो भाई क्या ही मस्त है भाई, पता नहीं ये बी कहाँ से आ गई। चलो फटाक फटाक से कलेक्ट कर लेते हैं सारी की सारी लीव। भाई ये टोमू यार नीचे ना गिर जाए, मेरे को डर लग रहा है। चलो भाई बस हो गई, सारी की सारी लीव कलेक्ट हो गई हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा हो गई मेरे पास। यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ भी हैं, चलो इनको ढंग से लगा देता हूँ एक बार, क्योंकि यार वो बड़े नहीं हो रहे थे ना, ये लग गए। अभी मेरे पास पांच और हैं, चलो साइड में भी लगा दूंगा उस साइड पे, क्योंकि उस साइड पे भी है नहीं ना, और पेड़ से हम लोग को क्या ही करना है। भाई यहाँ पे एक ट्रेडर भी मैंने ट्रैप कर लिया, इसके पास लेस है ना, कि मतलब हम लोग को कोई जानवर लेके कहीं जाना हो तो हम लोग लेके जा सकते हैं। तो फाइनली गाइस अपना सारा साफ हो चुका है, उस पेड़ को भाई मैं हाथ नहीं लगा रहा, क्योंकि उसमें बी का घर है भाई, उसमें मधुमक्खी काट लेगी। चलो फटाक से यहाँ पे देखते हैं कुछ खाने वाने को अपने पास। भाई अभी हम लोग मेलन खा लेते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि यार एप्पल तो यार बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि पेड़ में होता है, क्योंकि गाइस अब मैं पेड़ तो मतलब काट नहीं रहा। चलो इसको मेलन इसको भी हटा देते हैं फटाक से। चलो भाई भाई चलो अब फटाक से हम लोग चलते हैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाने, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त है। अभी मैं तुम लोग फटाक से दिखाता हूँ, ये देखो भाई यहाँ पे अपना पोलर भी है भाई, यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट, लेकिन इनको मैं कलेक्ट मतलब कट नहीं करूँगा, क्योंकि यार यहाँ पे नीचे लीव गिरेगी एंड यहाँ पे थोड़ा अच्छा भी लगे ना। चलो फटाक से आप मेरे को उस साइड पे बनाना है, मतलब पीछे साइड पे, एक साइड पे तो जानवरों का बना दिया है, लेकिन इस साइड पे मेरे को बनाना है। तो अभी फटाक से हम लोग वुड क्राफ्टिंग टेबल में सारा सारा सामान कलेक्ट करके आते हैं, और उसके बाद मस्त अपना उस साइड पर भी अपनी जगह बना लेते हैं। उसमें गाइस देखते हैं क्या करना है, मतलब चलो अभी फटाक से बनाते हैं पहले फटफट से। ओहो चलो गाइस मैंने फाइनली 64 बना लिए हैं, यहाँ पे बना लेते हैं गाइस आने जाने में, जैसे कि हम लोग गिरे वेरे ना, कि किसी को लेके भी जा रहे हैं तो वो भी बंदा गिरे ना कोई जानवर वानवर। चलो फटाक फटाक से यहाँ पे भी लगा देते हैं दोनों साइड पे, क्योंकि मेरे पास अब वोट तो बहुत है भाई, वोट की तो बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी। अरे यार टोमू गिर ना जाना यार नीचे। चलो फटाक फटाक से गाइस दोनों साइड पर लगा देता हूँ। भाई रात भी होने ही वाली है, अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं भाई, सनसेट तो हो ही गया है, देख रहे हो तुम लोग भाई, क्या बोलते हैं सनराइज, सॉरी नहीं नहीं सनसेट ही बोलते हैं यार, मुझे खुद कन्फ्यूजन हो गया। चलो फटक फटक से फाइनली गाइस देखो क्या ही मस्त सीन आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हवा में
तो गाइस अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, चलो फाइनली खा भी लिया। अब चलो फटाक से गाइस हम लोग सोते हैं, और कल सुबह काफ़ी ज़्यादा मेरे को काम भी करना है, इस साइड पे भी लगाना है। भाई अभी लगा लूँ क्या? चलो गाइस अभी तो मन नहीं है मेरा, चलो फटाक से सोते हैं चल के, और कल शाम मतलब कल सुबह हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। भाई चलो 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 भाई सोने चलते हैं। टोमू आ जाओ टोमू भाई चलो। अरे यार चलो कर ही लेते हैं कम्प्लीट, रात को कौन सा यहाँ पे ज़ॉम्बी वॉम्बी आ रहे हैं। साइड पे लाइट लगी है, फटक से इसको भी कंप्लीट कर ही लेता हूँ। 3 4 ये लग गया ही लग गया लग गया लग गया। ओहो फाइनली गाइस यहाँ जो मैंने जगह कंप्लीट कर ली, यहाँ पे 2 गेट लगाने हैं साइड पे। चलो फटक से गेट भी लगा ही देता हूँ तोड़ के, ये एक्स तोड़ दिया। चलो भाई कहाँ गए अपने फैंस, ये लग गया भाई फाइनली अपना गेट लगा दिया है। और यहाँ पे 1 गेट और लगा देता हूँ तो बिल्कुल बीच में हो जाएगा ना, 2 गेट लग जाते हैं यहाँ पे। चलो भाई इसको भी हटा के लगा देता हूँ 2 गेट। और भाई ये टोंगू तो अपने आप स्पॉन हो जाता है, भाई थोड़ा दूर जाऊँगा अपने आप स्पॉन हो जाता है, सबको पता ही होगा भाई अचानक से स्पॉन होता है, डरा दे बंदे को। चलो कोई दिक्कत नहीं, फटक से हम लोग अपने से चलते हैं सोने, और कल सुबह काफ़ी सारा काम ही करना है। ओहो टोंगू आ गया भाई, मैंने कहा था चलो सोते हैं फटाक से, सुबह उठ के काम भी करना है यार। तो फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है, और टोमू तो अभी तक सोया ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, भाई सोने में कितना टाइम लगता है। चलो थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिया है, अब लगना है अपने काम पे। तो क्योंकि गाइस आज बहुत ज़्यादा काम है, मेरे को थोड़ी बहुत माइनिंग भी करनी होगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान तो बचा नहीं, यहाँ पे एक पेड़ अपना बड़ा भी हो गया है। चलो भाई इसमें देखते हैं क्या क्या खाने को है, पन्ने में 3 है, चलो 3 और डाल दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं गाइस। अभी यहाँ पे लकड़ी भी डाल दी है थोड़ी सी, अब अपने को करना क्या है कि थोड़ी सी माइनिंग करनी है, मतलब थोड़े से देखते हैं गाइस क्या क्या ओपी आइटम मिलता है। भाई बर्फ़ भी तो कलेक्ट करनी है अपने को, तो भाई यहाँ पे बर्फ़ बर्फ़ मतलब सब चीज़ें मिलती हैं, एक्स वाई जेड भाई सब कुछ यहीं से मिलता है अपने को। भाई यहाँ तो काफ़ी सारा आइटम मिल गया, लेकिन यहाँ अभी तक मैंने नीचे वाटर बकेट नहीं लगाई, भाई सारा सामान नीचे ना गिर जाए। तो फटक से अभी मेरे इन्वेंट्री में ज़्यादा जगह भी नहीं है, तो जितना मैं कलेक्ट कर पाता हूँ फटक से कर लेता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई डायमंड वायमंड आ जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, जब बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे को जितना आइटम मिल रहा है मैं फटाक से रख लेता हूँ। भाई यहाँ पे ट्रेड है, एक पता नहीं लामा कहाँ गया, ओहो एक टोंगू और आ गया, तो इसके लिए मैंने एक हड्डी बचा के रखी थी ना, अब वही काम आएगी। चलो इसको अभी फ़िलहाल लेस में कर देता हूँ। ओ आ जाओ टोंगू 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 यार, इसका नाम कुछ और रखूँगा। तो गाइस फटाक से तुम लोग कमेंट बता दो कि इसका नाम मैं क्या रखूँ। और ये रहा अपना दूसरा टोंगू, तो इसको भी मैं लेस में रख देता हूँ कि भाई ये फॉक्स वॉक्स को जाके मार ना दे। चलो भाई दोनों लोग यहीं पर रहो ठीक है, अभी मैं तुमको भी हड्डी दूंगा, मेरे पास हड्डी है एक और। चलो फटाक से थोड़ा सा कोल माइनिंग कर लेते हैं, और कोल क्या है इसमें तो सब चीज़ें मिलती हैं यार, ये बहुत ही मस्त है। चलो भाई भाई बर्फ़ बर्फ सब मिल रही है यार, और इसमें मेरे को अभी तक ओहो एक और फॉक्स, वो कहाँ जा रही यार। ओहो यार डो टोमू टोमू गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, देखो भाई ऐसा ही होता है, देखो टोमू मारने लगा उसको, ये तो लेस में है तो बच गई, नहीं तो अभी मार देती। चलो भाई फीड हो रहा, खाना खा लो खाना। ओहो यार वहाँ पे जा रही है, चलो चलो ठीक है वहीं पे इसको भी वहाँ पे मतलब फिलहाल के लिए रख दूंगा। अबे कहाँ भाग गई, ओए 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 यार शिट टोमू मार देगा उसको, पता नहीं कहाँ चली गई, गिर गई क्या नीचे। अबे यार गाइस देख रहे हो मतलब ऐसे ही करती है यार, शिट शिट वो रही यार टोमू मार ना दे उसको, पता नहीं क्यों गुस्सा आता है इसके ऊपर। भाई 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 मेरे पास एक और लेस भी नहीं है यार, लामा को जाके लेनी पड़ेगी उससे। ओहो चलो घर में बंद हो गई, चलो भाई फटाक से गेट बंद कर देता हूँ, चलो ठीक ही है अभी घर में मतलब एक वहाँ पे चलो इनके लिए फटाक से कहीं पे घर बनाना पड़ेगा मेरे को बस। अरे यार टोमू शांत हो जाए, टोमू शांत हो जाए शांत, वो तो देखो मेरा आराम से बैठा है बेचारा, ये अभी नया वाला दिक्कत दे रहा है। चलो भाई मेरे पास एक है ना, एक हड्डी है एक बोन, चलो फटाक से इसको याली बोन दे देता हूँ, जैसे कि भाई ये भी अपना पैड बन जाएगा, एक बोन में काम चल जाएगा ना। ओहो भाई फाइनली सेट कर दिया, आप तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फॉक्स कहीं पे भी जाए कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब फटाक से थोड़ी सी माइनिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी ना मेरे को एक चीज़ मस्त वाली बनानी है, तो अभी मैं बस थोड़ी सी माइनिंग और कर लूँ, फिर अपने पास वुड भी है ही काफ़ी सारी, डर्ट भी है, चलो फटाक से फिर बनाते हैं चल के। और गाइज मैं तुम लोग को एक बता दूँ, अभी तक जिसने भी कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा तुम लोग को शाउट आउट। तो फटाक से गाइस चलते हैं बनाते हैं अपनी जगह को, जैसे मतलब इस साइड बनाया है वैसे इस साइड भी बना देते हैं, इस साइड हम लोग को और कुछ मतलब फॉक्स वॉक्स के लिए बना लेंगे घर,
जिससे कि भाई ये लोग अलग रह सकें। जैसे पोलर बियर हो गया, वो बर्फ़ में रहता है, तो यहाँ पे बर्फ़ वर्फ लगा के सब बना देंगे। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने ये वाला साइड तो बना लिया, फटाक से ये भी लगा देते हैं जिससे कि कोई जानवर अपना नीचे भी ना गिरे ना, क्योंकि भाई यहाँ पे मतलब ये नहीं लगाऊंगा तो सारे जानवर नीचे गिरते रहेंगे। तो भाई फटाक से चलो यहाँ से इस साइड भी लगी गई, बस एक और एक और। फाइनली गाइस हम लोगों ने पूरे में लगा दिया, क्या ही मस्त लग रहा है भाई। अब चलो सारे लोग यहाँ पे मतलब ट्रांसफर कर दूंगा बाद में, फटाक से अपने टोमू को लेके आता हूँ। बाकी का ये तुम लोग बताओ कि इसमें हम लोग क्या क्या मतलब ऐड कर सकते हैं और क्या क्या नई चीज़ें बना सकते हैं। चलो भाई इसको अब हटा देता हूँ, ये वाला मेरे ख्याल से कोई चीज़ काम की नहीं है यहाँ पे जगह, और लामा को भी ट्रेडर को आज़ाद कर देता हूँ। चलो भाई चलो निकलो भाई, निकलो निकलो, बस नीचे मत गिरना यार, क्योंकि लेस मेरे को मिलती नहीं है फिर। चलो भाई यहाँ से सारी की सारी हटा लेता हूँ उसको, और यहाँ पे लीव भी लगी है तो इनको भी हटा लूँगा, लेकिन अभी नहीं भाई, क्योंकि किनारे है ना, अगर मैं नीचे गिर गया तो भाई हड्डी पसली हो जाएगी और सारा का सारा सामान भी चला जाएगा। मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, सामान चला गया तो भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ओहो लामा जा रहा है, ट्रेड भाई आज़ाद हो गया, अब उसको घुमाएगा चारों साइड। ओहो लेस लेस लेस, ये लोग तो बैठे रहेंगे, मैंने इनको सेट फिट कर दिया है ना, तो इनको भागने वाली तो ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। पर इसको कलेक्ट कर लेता फटाक फटाक से, क्योंकि यार जगह अपने को अपना घर भी बनाना है साइड में, तो उसके लिए मेरे को जगह चाहिए होगी। तो भाई उस साइड बनाऊंगा, देखो भाई यहाँ पे मैंने बना तो दिया है कि मतलब इस साइड पे बनाएंगे, क्योंकि रात हो गई ना भाई, 3-4-5-6 ठीक है ठीक है। भाई इस साइड 12 ब्लॉक, उस साइड 12 ब्लॉक, मतलब अपना घर बिल्कुल बीच में बनेगा भाई, मस्त बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि यार ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, ये बीच का सेंटर है यहाँ से, मतलब अपना रास्ता होगा जाने का। ठीक है गाइस, क्या ही मस्त लग रहा है यार रात में। बाकी गाइस तुम लोग कोई सजेशन देना चाहते हो कि हम लोग अपने 1 ब्लॉक में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो बाकी तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। बाकी गाइस यहाँ पे मैंने एक साइड लगा दिया, इस साइड भी लगा ही देता हूँ, 1-2, और यहाँ पे लग गया। अरे यार कहाँ गया डायरेक्ट ब्लॉक, ओहो 2 ही बचे हैं डायरेक्ट ब्लॉक अपने पास। चलो ये भी लगा दिया है फाइनली, क्या ही मस्त लग रहा है। और हैंगे मेरे पास, ये मेरे ख्याल से चेस्ट में रखे होंगे भाई, देखने पड़ेंगे। ओहो बहुत सारे हैं भाई, 64 भाई, बहुत सारे अपने पास डेड ब्लॉक हैं। चलो उनको भी फटक से उस साइड पे लगा देता हूँ, बस 2 ब्लॉक और, 1 और ये 2। फाइनली गाइस अपना होम का थोड़ा सा तो बन गया है, बाकी गाइस नेक्स्ट स्टूडियो में बनाएंगे। तो उम्मीद है गाइस तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ टोमू का नाम बताने नहीं भूलना कि दोनों डॉग का नाम क्या रखूँ। बाकी मिलते हैं गाइस तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, और लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे रेगुलर अपडेट मिलेंगे। बाकी मिलते हैं गाइस तुम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे दो वीडियो आ रही हैं, जल्दी से कोई वीडियो देख लो।